हेलो स्टूडेंट, एमसीए में अब फरवरी मंथ आ गया। जो लोग 2020 में एमसीए एंट्रेंस का एग्जाम देने जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए अब आने वाले करीब करीब 100 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं। ये 100 डेज आपकी इंटायर लाइफ को चेंज करने वाले हैं। मैं ये सेशन जो ले रहा हूँ वो 2020 स्टूडेंट्स के लिए ले रहा हूँ। 2021-22 के लिए ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ और उनको बता चुका हूँ कि उनको क्या करना है, क्योंकि इम्पिटस गुरुकुल से, क्योंकि आप लोग जब ये सेशन सुनते हैं तो कई बार ये बोलते हैं, तो 21-22 से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और मैं आप सभी को बोलूंगा, अगर आप ये सेशन सुन रहे हैं और आपका एग्जाम या 21 या 22 है, तो इमीडिएटली एक्शन लें, बिल्कुल देर ना करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। क्योंकि इस समय अगर हम प्लेसमेंट सिनारियों को देखें तो एनआईटीज के प्लेसमेंट टॉप मोस्ट हो रहे हैं। यानी आज से अगर हम 5 साल से अभी तक का कंपेयर करें, तो आज से 5 साल पहले अगर 28 लाख पर त्रिची में प्लेसमेंट हो रहा था, तो आज 43 लाख तक पहुंच गया। एवरेज प्लेसमेंट अगर टॉप 5 एनआईटीज की बात करें तो 8 लाख को क्रॉस कर गया। यानी एक बहुत अच्छा चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो आप अपने आप को फोकस लेके चले निम सेट के लिए। अगले मंथ हो सकता है इस मंथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, मई में एग्जाम होगा। इसके अलावा बीएचयू का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके लिए मैंने एक अलग से सेशन लिया, उसका फॉर्म भी जरूर फिल करिए। फिर जिन जिन के नोटिफिकेशन आते जाएंगे, सीईटी का निकल चुका है, पर सारे एग्जाम्स के, इंपॉर्टेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन जैसे ही आएंगे हम आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम मिस ना हो। अब बात करते हैं कि फरवरी मंथ में क्या प्रिपरेशन करना है। आप लोग किसी ना किसी तरह से इम्पिटस से जुड़े हुए हैं। इम्पिटस में इस समय 5 प्रोग्राम्स हैं, एक क्लासरूम प्रोग्राम, एक लाइव क्लासेस, पेनड्राइव कोर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इनफैक्ट लास्ट संडे जो आप लोगों ने टेस्ट दिया था वो ऑनलाइन टेस्ट ही दिया था, और अब संडे को जो आप टेस्ट देंगे वो ऑनलाइन टेस्ट देंगे। उस ऑनलाइन टेस्ट का मेरा पर्पज ये था कि आप रियल टाइम में देंगे, आपका सही स्कोर कैलकुलेट होगा। और मैंने इस वीक में जो लाइव क्लास सेशन था उसमें क्लासरूम बच्चों के स्कोर्स आपसे डिस्कस किए थे। इस संडे के बाद से, मतलब जो पेपर होगा उसमें ऑनलाइन और क्लासरूम दोनों को कंपेयर करता हुआ भी चलूंगा कि टॉप 10 में क्या स्कोर आ रहा है, जिससे कि आप अपने आप को इंप्रूव कर पाए। दूसरा, ऑनलाइन टेस्ट में पूरा कंप्लीट उसको देने के बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट ग्राफ है, एनालिटिक है, किस क्वेश्चन पे कितना आपने टाइम दिया, कितना टाइम आपने दिया है, आपने उसको राइट किया है, रॉन्ग किया है, वो सारी चीजें आपको उसको मिलेंगी। बहुत अच्छे से स्कैन करिए ग्राफ को, उस ऑनलाइन टेस्ट को समझिए और अपने आप को हर पेपर में इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाइए, यही समय है। अब एक चीज समझ लीजिए, अब हमारे पास मंथ क्या क्या है, फेब, मार्च, अप्रैल और मई। अगर हम दिन देखें तो 29, 31, 30 और लगभग 24 मई भी हो सकता है एग्जाम है उसके आसपास भी। तो अगर हम इनको देखें तो अभी एक चीज समझ में आती है कि 90 + 24 यानी 140 डेज, अभी भी 100+ डेज हैं। अभी भी अगर आप अपने एफर्ट्स कम नहीं करें और अपने एफर्ट्स बढ़ा दें तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आप में से अभी अभी कुछ बच्चों ने फोन किया कि सर अब बहुत कम टाइम बचा है, कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं हुई, बहुत लेट हो गए, क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेके पढ़े। तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, हर सेशन में बोलूंगा, अभी भी बोलूंगा कि अगर आपने ये मन मना लिया कि ड्रॉप लेना है तो आप और ज्यादा 100 डेज पढ़ के दें पेपर, जिससे कि ड्रॉप ईयर आपके लिए न्यू ईयर ना हो। न्यू ईयर मतलब फिर से जीरो से वहां स्टार्ट ना हो रहे, क्योंकि कई बार जब हम फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं और हमारी अच्छी रैंक नहीं आती है तो हम ड्रॉप लेते हैं। बट अगर हमने उस अभी छोड़ ही दिया अपने आप को और हमने सीधा सीधा सोचा कि हम नेक्स्ट ईयर ही पढ़ाई प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट ईयर ही एग्जाम देंगे, तो आप उस एग्जाम का फील अगर नहीं ले पाए और नेक्स्ट ईयर कोई गड़बड़ हो गई तो आपको एक साल और आगे बढ़ सकते हो। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात कि अगर मैं अभी बात करूं कि एनआईटी त्रिची की या सूरत कल की या कैलीकट की या इलाहाबाद की, तो 40 लाख तक के पैकेज गए हैं इस बार, ये सबसे अच्छी बात है। और 40, 34, 28 ये सब पैकेजेस गए हैं, यानी 100% प्लेसमेंट है, एक तो सबसे अच्छी बात है और बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस जा रहे हैं। दूसरी बात कि आप में से कुछ लोग बोलते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एनआईटीज में प्लेसमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके 2 या 3 या इवन 5-6 ईयर के ड्रॉप वाले बच्चों ने भी एडमिशन लिया है और उनके भी अच्छे प्लेसमेंट हुए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल अपने माइंड को फोकस रखिए, कंफ्यूज मत होइए और प्रिपरेशन करते रहिए। दूसरा, आप लोग बहुत सारे लोग जो नए फास्टैग कोर्स से जुड़े हैं, आप देख रहे हैं कि आप इस कोर्स के थ्रू अपने सिलेबस को टाइमली कवर भी कर पा रहे हैं। फास्टैग कोर्स सुनने में लगता है कि यहां पर फास्ट पढ़ाया जाएगा, पर फास्टैग कोर्स फास्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि आपको रोज 5 घंटे की क्लास दी जा रही, पढ़ाया स्लो ही जा रहा है।
बट टाइम कब है तो कहीं ना कहीं तो कुछ कंप्रोमाइज होगा, तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप अपने लेवल पे पढ़ाई करते चलिए। अब बात करते हैं, अभी अभी इंपिटस गुरुकुल में दो तरह के लोग हैं, एक ओल्ड एक न्यू। आपको मैंने सभी को एक चीज बोली है कि अगर आपने कोई टॉपिक कर लिए हैं और आप लाइव क्लास से जुड़े हैं और वो टॉपिक अच्छे से आता है तो जरूरी नहीं है वो टॉपिक आप देखें, पर जो रोज की आपको प्रैक्टिस शीट मिल रही है, डेली प्रैक्टिस शीट, वो रोज सॉल्व करिए। और अगर उसमें कोई डाउट आता है तो उसका, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे डिस्कशन करता हूं, वो जरूर देखिए। तो इन बातों का ध्यान रखते चलिए। फरवरी मंथ की बात करूं तो फास्टैग कोर्स में कैलकुलस स्टार्ट होगा और पूरे फरवरी मंथ में कैलकुलस ही पढ़ाया जाएगा। इसमें स्टार्ट होगा फंक्शन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये पूरा इस वीक में होगा, यानी फर्स्ट वीक में जो आपको पढ़ाया जाएगा। अगर हम देखें तो फरवरी 29 का है, यानी हमें पूरे पूरे 4 वीक मिलेंगे। तो मैं एक आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में कैलकुलस कंप्लीट, फरवरी के फर्स्ट वीक में फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी होगा, सेकेंड वीक में डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, सेकेंड वीक में डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, थर्ड वीक में इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा और फोर्थ वीक में डेफिनेट का एकाध क्लास हो, और फोर्थ वीक में आपका जो होगा वो होगा डेफिनेट इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इन एरिया अंडर कर्व। इस तरह से 4 वीक में कैलकुलस को कवर करवाया जाएगा। ये मैं आपको मैथ्स वाली की बात कर रहा हूं। फिर सेकंड बैच जो है उसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले सर्कल। देखिए दो टाइम पे आपकी क्लासेस हो रही हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग, तो कैलकुलस वाला टाइम जो है वो आपका इवनिंग का है, यानी आप 4:30 वाले टाइम पे कैलकुलस पढ़ रहे हैं। मैंने अभी डिसाइड भी यही किया है कि एक टाइम पूरा कैलकुल मैथ्स का रखें, हायर मैथ्स का, और मॉर्निंग वाला जो टाइम है 11 o'clock वाला, उसमें आपको सर्कल, कॉनिक सेक्शन, टेस्ट पेपर एनालिसिस, कंप्यूटर फंडामेंटल फरवरी में हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोगों ने डिमांड किया था। फरवरी में पढ़ाने का रीजन यह है कि मार्च या अप्रैल में आपके हो सकता है, अगर आप फाइनल ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट है तो सेमेस्टर एग्जाम या ईयरली एग्जाम हो, उसके पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की 3 से 4 क्लासेस मिलेंगी। तो इसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये सब पोर्शन मॉर्निंग टाइम में होगा। पीएनसी भी होना है और प्रोबेबिलिटी भी यहां पर होना है, वो भी मैं हमेशा QALR में ही गिनता हूं, तो ये भी एक चीज याद रखिएगा। इस तरह से आपको फरवरी मंथ में ये पोर्शन कवर किया जाएगा। जब मार्च में आएंगे तो एक आइडिया दे रहा हूं कि मार्च में, क्योंकि अब देखिए आप लोग अगर पहले से जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेट आप मॉर्निंग में पढ़ चुके हैं, तो जब इवनिंग में कोऑर्डिनेट होगा तो आप नहीं करिए अटेंड, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके पूरे मार्च को हम इवनिंग टाइम में कवर कर देंगे, मॉर्निंग टाइम में क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, टेस्ट पेपर एनालिसिस, ये और ये सारा चलता रहेगा। अभी आपको कुछ ऐसे भी पेपर्स मिलेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैंने प्लान ही ये किया है कि आपको रेगुलर टेस्टिंग मिलती रहे जिससे कि आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकें। क्वेश्चंस के लेवल अलग अलग होंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि आप पेपर आपके पास होती है, गाइड भी होती है, सब होती है, पर क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच नहीं होती, इसी में हम लैग करते हैं। और मेरा एक नेचर है कि जो भी टेस्ट पेपर लिया जाए ऑलमोस्ट सभी टेस्ट पेपर के एनालिसिस होते हैं, तो धीरे धीरे आपके डाउट सब खत्म हो जाएंगे। अगर कोई पेपर छूट भी गया है तो भी आप परेशान मत होइए, वो कवर हो जाएंगे। तो अगर अभी आपने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किया है तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव गाइड सॉल्व करने की जगह एक फाउंडेशन बुक सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, एक बेस बुक सॉल्व कर लीजिए, और प्लस जो रोज के आपको DPT मिल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, वो सॉल्व करिए, सैटरडे का पेपर सॉल्व करिए और संडे का पेपर सॉल्व करिए। और संडे का पेपर ऑनलाइन इसलिए दिया जा रहा है, देखिए निमसेट अभी ऑफलाइन होता है, पर अगर हम बात करें BHU की, ऑनलाइन होता है, JNU ऑनलाइन होता है, VIT ऑनलाइन होता है, मैक्सिमम एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, तो आपको वो ऑनलाइन ही मिलेगा। और 10 o'clock पे टेस्ट यहां स्टार्ट होता है तो 10 o'clock पे ही आपका टेस्ट ओपन होगा, तो ये फायदा। तो ये सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। सैटरडे का जो टेस्ट होता है वो ध्यान रखिएगा, जो करंट वीक के टॉपिक हैं उन पे बेस्ड रहेगा, और जो संडे का टेस्ट है वो मॉक टेस्ट है। तो इस तरह से अभी भी हमारे पास 100 days है, इस 100 days को आप 200 days बना सकते हैं अगर आप रेगुलर जितने घंटे पढ़ते हैं उससे अगर आपने डबल पढ़ाई कर दी। तो मैं आप सबको एक बहुत ही पॉजिटिव माइंड से बात बोलूंगा कि बिल्कुल पॉजिटिवली अपना एफर्ट देते रहें बिना यह सोचे कि रिजल्ट क्या होगा। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो ही दिक्कत होती है, अगर आप पॉजिटिव माइंड से
पॉजिटिव होकर पढ़ाई करेंगे तो कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो बेटर है कि आप अपने आप को पॉजिटिवली पढ़ाई करिए। अगर आपका एग्जाम है 21-22 है तो बेस प्रिपरेशन पे वर्क करिए। और देखिए यहां पर इंपिटस गुरुकुल में भी 21-22 के स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन भी लाइव भी हैं, तो उनके साथ जब मैं बात करता हूं और जब 20 में एग्जाम देने वाले बच्चे आते हैं तो मुझे समझ में आता है, वो खुद भी देखते हैं कि हाईएस्ट प्रेशर होता है क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा कवर करना है। वही 21-22 में एग्जाम देना होता तो आपके पास टाइम ज्यादा होता। बट अभी इन सब बातों का मतलब नहीं है, अभी एक ही बात का मतलब है कि जो बचा हुआ टाइम है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें। तो अपनी पढ़ाई का टाइम बिल्कुल फिक्स रखिए, जो करंट टॉपिक होने वाले हैं। ये सेशन मेरा एक पर्पज और भी होता है कि अगर आपका मान लीजिए कि कोई टॉपिक कवर हो गया तो भी रिवीजन इसी ऑर्डर में करना आप, क्योंकि आपको जो टेस्ट पेपर मिलेंगे वो इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए मिलेंगे। तो जब इसी ऑर्डर को आपको इसी ऑर्डर में आपको टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं तो इसी ऑर्डर में आप अपनी पढ़ाई करिए, जिससे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इनके सैटरडे को टेस्ट पेपर देते रहिए। अब बीएचयू का फॉर्म जरूर फिल करिएगा, बाकी जैसे भी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आएंगे मैं बताऊंगा। और भी कोई अगर आपको रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे तुरंत बताएं। और हर क्लास को अच्छे से अटेंड करिए, हर पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए और एक रूटीन जरूर बनाइए। जैसे यहां पर जो बच्चे करते हैं वही काम आप करिए। सुबह करीब करीब 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है तो ट्राई करिए कि आप एटलीस्ट 2-2.5 आवर का सेल्फ स्टडी करें। देखिए हमेशा मैं एक बात बोलता हूं, ऑनलाइन और क्लासरूम में अगर कोई डिफरेंस है तो एक ही है, वो है ऑनलाइन में क्योंकि क्लासरूम होता है, बच्चे सामने होते हैं, उनके पास स्कोप नहीं होता। ऑनलाइन में आप चीट कर सकते हैं, पर अगर आप चीट कर रहे हैं तो अपने आप से कर रहे हैं, इसलिए कभी भी चीट ना करें, क्योंकि जो कुछ यहां हो रहा है वो सब आपके साथ शेयर हो रहा है, इसका फायदा लीजिए। तो मॉर्निंग में 7:30 से 10:30 तक आप पहले पढ़ाई करा करिए, एक रूटीन सेट करिए कि 10:30 to 7:30 to 10:30 इसमें क्या पढ़ना है, जो टॉपिक 11 o'clock पे होने वाला है। आपको पता है 11 o'clock वाली क्लास लगभग 1:30 से के आसपास एंड होती है, देन उसके बाद लंच लीजिए। लंच लेने के बाद 10-15 मिनट का एक शॉर्ट नैप ले लीजिए अगर सोते हैं, अच्छा रहेगा। देन करीब करीब 2:30 से 4:15 तक फिर पढ़िए जो इवनिंग टाइम में क्लास होने वाली है। अगर आपका इवनिंग वाला टॉपिक हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये जो ऑलरेडी ओल्ड स्टूडेंट है उनका कैलकुलस खत्म हो चुका है तो उनको क्लास अटेंड नहीं करनी, बट यही कैलकुलस का टॉपिक जो मैंने फर्स्ट वीक बताया, ये बताता इसलिए हूं, वही टॉपिक पढ़िए आप। सेकेंड वीक में वही पढ़िए, थर्ड में भी, जिससे आप वो टेस्ट पेपर भी दें और साइमल्टेनियसली आपको यहां पर भी अपने आप को परफॉर्म करने का मौका मिले। फिर 6:30 तक लगभग आप पढ़ाई करिए, 6:30 पे एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए, फिर 6:30 के बाद 7 o'clock के आसपास बैठिए, 7 to 9 वो पढ़िए जो जो चीजें पेंडिंग है, कोई चीज जैसे यहां पर कम प्रैक्टिस हो पाई, इसकी कम प्रैक्टिस हो पाई, या सुबह और शाम को जो टॉपिक करे उनकी प्रैक्टिस करिए। प्लस सोने से पहले जितनी आपको डीपीटी मिली या पुराने पेपर है, एटलीस्ट 2-3 पेपर पुराने जरूर सॉल्व करिए जो आते हैं, स्पीड वहीं से बढ़ेगी आपकी, स्पीड बढ़ाने का तरीका यही है। दूसरी बात, जब संडे का जो पेपर है वो हमेशा सॉल्व करिए, मैं आपके साथ पेपर सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं, उस सॉल्यूशंस को उसी टेक्निक के साथ सॉल्व करना चालू करिए, पेपर की स्कैनिंग करिए। और कोई टॉपिक अगर भी आपका बाय चांस नहीं हुआ उस क्वेश्चन को छोड़ के या उस टॉपिक को मॉक पेपर में छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करिए। सोने से पहले एक आदत डालिए कि 100 क्वेश्चन आपको कम से कम 200-300 करें, बहुत ही अच्छी बात है, पर 100 क्वेश्चन वो जरूर सॉल्व करें जो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उससे आपकी एक्चुअल में स्पीड डेवलप होगी। और इस माइंड सेटअप के साथ पढ़ाई करिए कि हम अपना बेस्ट देंगे, रिजल्ट क्या होगा वो छोड़ दीजिए, और जो जो मैं आपको एग्जाम बताऊं वो जरूर दीजिएगा, उससे आपको बहुत सारे एडवांटेज होंगे। राइट, चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।